जड़ी घूमत भी आई आ मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। अच्छा जो भी आर्मी रही आ मुल्क सुकून रहा वा जरायम करप्शन घट हुई इस हिसाब न मेरे हिसाब न आर्मी बेस्ट आ आर्मी आनी चाहिए है खत्म हो जाने चाहिए सारी किसी की भी नहीं घूमना चाहिए। मेरे ख्याल शुभाष शरीफ सही करता पे जो भी करता पे जो भी सूरत हाल आ संभालिया होने पाकिस्तान शुभाष जी महंगाई दिन ब दिन वही जा रही है लोगों को रोटी कमाने औखी हुई है ठीक है कारोबार आ तो वह कुछ नहीं है इस वजह तो ना इन्हों को बहुत मुश्किल आ जे मुल्क के हालात संभाले जा पाकिस्तान के रुपये की जी कीमत आ डिगती जान दई आ डालर उत्ते जा रहा वा वो वजह तो हर चीज़ महंगी हो जा रही है इन्हों के बस च कंट्रोल च नहीं है पहले एक इमरान खान कला खाने वाला सगा हूँ शहबाज शरीफ साहब तो खा रहे हैं दस होर भी नाल उन्हें रलाए आ खाण को हूँ इन्ने बंद ने जो खाना वा तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होना बस अल्लाह पाक सानू भी ध्यान देवे इन्होंने हुक्मराना भी कोई ईमानदार जरनल आवे कि जो करप्शन खत्म करे तो मुल्क सही तरह चले सर जी मैं तो किसी को कहना ही नहीं कि गलत आ तो सही आ मकसद आ कि जोड़ा बैन मेरे माइंड के जेहन के हिसाब के नाल कि जो भी है मसलन के एम पी ए एम एन ए वजीर आजम सदर जो भी आते मुल्क का बेड़ा गर्क ही होते वा मुल्क सर कर्जा वो तो वो जान दिया वा ठीक है यही जो आर्मी रही सुकून रहा वा बेहतर रहा वा हिसाब किताब सही चलता वा आर्मी आ जाए आर्मी की घूमत हो बस मुल्क चलावे आर्मी सब कुछ सिस्टम सैट रहेगा इन्होंने जो भी आना वा इन्होंने बेड़ा गर्क ही था कर्जे दिन ब दिन बदने ही हैं इन्होंने चलाई जा रहा वा नहीं तो बस नहीं चलता वेच के खा जाए पाकिस्तान भी पूरा मुल्क वेच के बाहर चल जाना अपनी जायदाद बढ़ा लेना नहीं सोचते के यह जी द दौलत आ जमीन वा जायदाद वा फ्लैट लंदन च लै लन फ्लैट इतने लै लन जो मरना कवर दो गज जमीन ही आनी है इतने सब कुछ रह जाना नाल किसी ने कुछ नहीं लैके जाना फिर भी यह लोग अपनी आवाम ना अपने मुल्क ना मुखलस नहीं है पता भी है कि असं मर जाना नाल कुछ नहीं लैके जाना जोड़ते भाई जोड़ते पुछत ने भी नहीं कम आना मुड़ के कबर से जाकर किसी ने फातिया भी नहीं खानी इन्होंने वेख लो इन्हों दिस्ट्रिया प्यो दादे वेख लो कि जाके फातिया पढ़न दे इन्हों की लाद ने भी इदा ही करनी कि पढ़ना वा उन्होंने कहना बस बस लाबा कर दे सू भी तो इन्ना हुक्मराना भी तो आवाम का तो मुल्क का बेहतर सोचा जो बेहतर करे तो इन्हों का अपना ही फायदा इस्लाम की तरीक पढ़ के देखो खोल के वेखो हुक्मरान कि हजरत उमर फरूक की खिलाफत का दौर पढ़ो कि उन्होंने खिलाफत की ठीक है तो यह की कर है तो गरीब में सलील कर आटे का थैला भी देंगे दे लाइना बना के तस्वीर ला के छे छे जड़िया को पहले जाओ तो फिर इंज करो तो उंज करो तो सलील कर गरीब आदमी को मकसद करके जोड़ा सफेदपोश आदमी वो तो वैसे ही नहीं ना लै सकता कि जिन्ना सलील करते हैं ठीक है वह कहना कि यार जिदा भी थोड़ी खा लो जिदा भी महंगा लैके खा लो पर असी लैन नहीं जाना है जलालत रिलीफ देनी आ पेट्रोल सस्ता कर बिजली सस्ती कर गैस सस्ता कर दिन ब दिन महंगा कर देंगे आटा मुफ्त देन दे आटा मुफ्त दे के की करना तुम आटे का थले गरीब आदमी ने बिल नहीं देना गरीब आदमी ने पेट्रोल नहीं लगना हर चीज़ इस्तेमाल कर रही है पेट्रोल महंगा होना महंगाई बदनी है हर शा मंगनी है इन्हों यही तो समझ नहीं लगती नहीं आटा कि सस्ता भाई आटा पाकिस्तान 3200 रुपये का तोड़ा भाई 3200 रुपये का तोड़ा है जो सिस्टम है ना इन्हों का आम घर नूं बिल आ रहे जनाब एक लैंड पखा दे पंप इहनूं बिल आ रहे 3500 रुपया सर जी है रिलीफ जिहड़ा देंदे आ ना सानू लगदा कि रिलीफ देण डे आवाम नूं रिलीफ की देंदे आ इह तां करप्शन करदे आ इहनां दा खाण दा इक जरिया इक बहाना वा पहले पेट्रोल महंगा करता
ठीक है, बिजली महंगी करती, पैसा इकट्ठा कर लिया, मुड़ के जी असी आटा देन डे हाँ, असी इन्ने पैसे देन डे हाँ, वह थोड़े जे लोगों दे के बाकी पैसे खा भी जाते हैं, तो करप्शन करन दा एक बहाना वा इन्हां दा। जो आर्मी का खर्चा होना तो होना ही आ, उस तो अलावा जो टैक्स कट्टे होंगे आर्मी का खर्चा जो होएगा उस तो अलावा मुल्क से लगेगा, आवाम से लगेगा, हुकूमत के खजाने च आएगा। यह जो पैसा आर्मी तो बाद जो बचता है आप खा भी जाते हैं, वंड लेंगे, करजे ले लै गया, तो लभ तो तरीके कि किदा लुटना आवाम नू। दुआ वा पाकिस्तान वास्ते, अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान।